गूगल पिक्सल 4 एक्सएल वर्सेस पिक्सल 4a 5G दोनों गूगल की डिवाइसेस हैं, दोनों में एक्सीलेंट कैमरा है, पर दोनों में कैमरा सेटअप थोड़ा डिफरेंट है। जहां 4 एक्सएल में 16 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम कैमरा है, वहीं पे 4a 5G में 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। बाकी दोनों फोन्स का मेन कैमरा हार्डवेयर बिल्कुल सेम है, 19-20 तक का भी फर्क नहीं है, पर 4a 5G में एक जनरेशन आगे का प्रोसेसर है और एक जनरेशन आगे का सॉफ्टवेयर है, तो देखते दोनों की परफॉर्मेंस में इससे कितना फर्क पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं जरा डे टाइम फोटोग्राफी से। दोनों फोन्स ने ऑलमोस्ट सेम स्पीड पे कैमरा लॉन्च किया है। दोनों कैमरास की सेटिंग्स मैंने सेम कर दी है ताकि हमें फेयर रिजल्ट्स देखने को मिले। फोटोज मैंने क्लिक कर ली है और अब जरा बारी बारी दोनों के रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। पहली फोटो 4XL की और आप लोग देख सकते हैं हमेशा की तरह बिल्कुल नेचुरल और वेल बैलेंस्ड फोटो है। अब बारी आती है 4A 5G की और मैं जैसे ही फोटो स्विच करूंगा आपको क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 4A 5G की फोटो 4XL से ज्यादा ब्राइट है और 4A 5G ने डार्क एरियाज में ज्यादा डिटेल्स कैप्चर किए हैं, जबकि ब्राइट एरियाज को वैसे ही वेल एक्सपोज रखा है। मैं बार बार फोटो स्विच करता हूँ जिससे आपके लिए डिफरेंस स्पॉट करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो एक जनरेशन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की वजह से 4A 5G का HDR 4XL से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम दोबारा से 4XL की फोटो देख रहे हैं, मैं फोटो स्विच करूंगा और आपने डिफरेंस नोट करना है। डिफरेंस बहुत क्लियर है, 4A 5G ने फोरग्राउंड में पड़े फोन और ट्राइपॉड की सारी डिटेल्स कैप्चर की और उनको बहुत अच्छे से एक्सपोज रखा है, जबकि आप लोग देख सकते हैं 4XL इसे ओवर एक्सपोज कर गया क्योंकि बैकग्राउंड से लाइटिंग बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत तेज लाइट आ रही है। तो वंस अगेन 4A 5G को यहाँ पे इसका एडवांस HDR हेल्प कर रहा है, जो कि मेरे लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि दोनों फोन्स का हार्डवेयर बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब हम जरा दोनों का जूम टेस्ट देख लेते हैं। पिक्सल 4XL में 2x ऑप्टिकल जूम कैमरा, जबकि 4A 5G अपने मेन कैमरा से जूम कर रहे हैं, जो कि ऑप्टिकल जूम नहीं है, डिजिटल जूम है। 4A 5G में मैक्सिमम जूम 7x है, जबकि 4XL में मैक्सिमम जूम 8x है। कैमरा प्रीव्यू में देखें तो 4XL ज्यादा शार्प लग रहा है। तो अब जरा दोनों फोन्स के एंड रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। 1x पे दोनों फोन्स में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा और दोनों की फोटोज बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये फोटो दोनों फोन्स के 2x जूम पे लिया गया है 4XL के 2x ऑप्टिकल जूम कैमरा से, जबकि 4A 5G के मेन सेंसर से क्रॉप करके। सही बताऊं तो मुझे दोनों में कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। एक तरफ प्रॉपर हार्डवेयर से ऑप्टिकली जूम की हुई फोटो है, जबकि दूसरी तरफ मेन सेंसर से डिजिटली क्रॉप की हुई फोटो है। पर गूगल के सुपर एस जूम की वजह से मुझे 4A 5G की क्वालिटी में बिल्कुल भी डाउनफॉल फील नहीं हो रहा। आप लोग वीडियो को पॉज करके डिफरेंस ढूंढें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये फोटोज दोनों फोन्स के मैक्सिमम जूम लेवल पे ली गई हैं, 4XL का 8x जबकि 4A 5G का 7x। अब इस पॉइंट पे 4XL का जूम कैमरा डिफरेंस कर रहा है क्योंकि आप क्लियर देख सकते हैं 4XL की फोटो ज्यादा शार्प है और उसमें ज्यादा डिटेल्स हैं, जबकि 4A 5G की फोटो थोड़ी पिक्सेलेटेड है और उसमें नॉइज है। तो जूमिंग में आपको 2x या 3x पे इतना डिफरेंस फील नहीं होगा, पर आप जैसे 4x या 5x पे जाएंगे तो आपको डिफरेंस फील होगा। तो जूमिंग आपके लिए कितना मैटर करती है आपने डिसाइड करना है, आपको जूम लेंस चाहिए या फिर अल्ट्रा वाइड लेंस चाहिए। अब हम दोनों का पोर्ट्रेट मोड टेस्ट कर लेते हैं। पोर्ट्रेट मोड के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पिक्सल 4XL का बेटर है या 4A 5G का। दोनों फोन्स की सेटिंग्स मैंने बिल्कुल सेम कर दी हैं, पर 4A 5G में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है इसका नाइट साइड पोर्ट्रेट मोड, जिससे आप रात के टाइम भी बहुत अच्छे और ब्राइट फोटोज क्लिक कर सकते हैं। दोनों फोन से मैंने डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में डिफरेंट एंगल पे बहुत सारे पोर्ट्रेट शॉट्स लिए, जो हम बारी बारी कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सा फोन बेटर परफॉर्म करता है। अब ये दोनों पोर्ट्रेट फोटोज हैं और इनमें 19-20 का फर्क भी नहीं है, क्योंकि दोनों फोन्स का मेन कैमरा हार्डवेयर बिल्कुल सेम आइडेंटिकल है। तो इस फोटो में हमें कुछ भी फर्क फील नहीं हो रहा और दोनों फोन्स की फोटोज बिल्कुल सेम है। अब इन फोटोज में देखें बिल्कुल सेम स्टोरी है, आपको 19-20 का फर्क भी फील नहीं हो रहा, पर एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको नेक्स्ट फोटोज में दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। वो डिफरेंस इस फोटो में ज्यादा प्रोमिनेंट है कि 4A 5G स्किन ट्यून को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर रहा है। जहाँ 4XL इसकी स्किन ट्यून को ब्राइट कर रहा है, वहीं पे 4A 5G इसकी नेचुरल स्किन ट्यून को मेंटेन रख रहा है। इस फोटो में भी आप लोग देख सकते हैं 4XL इसके फेस को ब्राइट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि 4A 5G उसका नेचुरल स्किन रिटेन रख रहा है। ये फीचर गूगल ने पिक्सल 5 में इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि इस फोन को भी ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा ये फोटो मैंने 2x पे लिया और आप लोग देख सकते हैं दोनों फोन्स ने बिल्कुल इक्वल डिटेल्स कैप्चर किए हैं, बस 4A 5G में आपको थोड़ा सा फोकस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो दोनों फोन्स के पोर्ट्रेट मोड में कोई खासा फर्क नहीं है, आपको दोनों से इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। कहीं पे पिक्सल 4XL एज करेगा तो कहीं पे 4A 5G एज करेगा, पर 4A 5G में आपको एक्स्ट्रा नाइट साइड पोर्ट्रेट मोड का फीचर भी मिलता है। इस फोटो में आपको 4A 5G के अल्ट्रा वाइड कैमरा का डेमो दे रहा हूँ। अल्ट्रा वाइड मेन कैमरा से थोड़ा सा सॉफ्ट है और क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है, और मुझे अगर 2x जूम की जगह अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा तो मैं अल्ट्रा वाइड लेंस को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप काफी ड्रामेटिक और काफी अच्छे शॉट्स ले सकते हैं। तो इस कैटेगरी में मैं 4A 5G के साथ हूं, क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा काफी सॉलिड है।
वीडियोग्राफी की बात करें तो इसमें भी दोनों फोन थोड़े डिफरेंट हैं, बल्कि 4A 5G ज्यादा इंप्रूव्ड है और ज्यादा कैपेबल है। क्योंकि 4A 5G पे आप मैक्सिमम 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि 4XL पे आप मैक्सिमम 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और 4A 5G में आप अल्ट्रा वाइड पे भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 30fps तक लॉक्ड है। जबकि 1080p 60 आप दोनों कैमरास पे अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा दोनों पे शूट कर सकते हैं। 4A 5G में वीडियोग्राफी के लिए डिफरेंट शूटिंग मोड्स भी आते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। दोनों की वीडियो का आपको सैंपल दिखा देता हूं और साथ में माइक की ऑडियो क्वालिटी भी चेक करवा देता हूं, ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए। दोनों की वीडियो में जो मुझे फर्क फील हुआ वो ये है कि पिक्सल 4A 5G की वीडियो कुछ ज्यादा स्मूथ है। 4A 5G की वीडियो में कलर्स भी ज्यादा रिच हैं और 4A 5G में आप लोग देख सकते हैं HDR भी ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये वीडियो के डार्क एरियाज को ज्यादा अच्छे से एक्सपोज कर रहा है। और जो पिक्सल 4XL में फ्रेम ड्रॉप्स वाला इशू था, वो भी मुझे 4A 5G में बहुत कम नजर आ रहा है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि वीडियो के दौरान 4A 5G का जो ऑटो फोकस है वो 4XL से काफी हद तक ज्यादा इंप्रूव्ड है, जिसका आपको एक लाइव डेमो भी दे देता हूं कि 4A 5G यहां पे इजीली फोकस कर रहा है, जबकि 4XL को यहां पे ट्रबल फेस करनी पड़ रही है। 4A 5G को जहां पे अल्ट्रा वाइड कैमरा का एज है, वहीं पे पिक्सल 4XL का जूमिंग में एज है, क्योंकि 4A 5G मैक्सिमम जूम 3x करता है, जबकि 4XL मैक्सिमम जूम 6x तक करता है वीडियो में, जो कि आप वीडियो के एंड पे देख सकेंगे। ओवरऑल वीडियोग्राफी में मैं 4A 5G को प्रेफर करूंगा। और हम बढ़ते हैं अपने माइक्रोफोन टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों ये था दोनों फोन्स का कैमरा कंपैरिजन, 4A 5G वर्सेस पिक्सल 4XL। आप लोग अगर मेरी चॉइस पूछते हैं तो मैं इनमें से कैमरा के लिए पिक्सल 4A 5G को उठाऊंगा, क्योंकि इसमें एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, ऊपर से वीडियोग्राफी इंप्रूव्ड है और फोटोग्राफी में भी काफी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली है। नाइट साइड पोर्ट्रेट मोड मेरा इसमें सबसे ज्यादा फेवरेट है और सेकंड नंबर पे 4K 60fps वीडियो। पिक्सल 4XL का कैमरा भी काफी सॉलिड है और ये फोन मेरे कुछ गिने चुने फेवरेट फोन्स में आता है। 4XL का 2023 में कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। मैंने इस शॉर्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप 4A 5G का कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए